Hey guys, assalamu alaikum, welcome back to my YouTube channel. अगर आपके हेयर ड्राई फ्रीजी डैमेज हो गए और आप भी चाहते हो कि आपके हेयर सिल्की सॉफ्ट शाइनी हो जाए तो इसके लिए आपको करना होगा केराटीन. जी हाँ गाइस, आपको करना होगा केराटीन जिससे आपके हेयर की सारी प्रॉब्लम जो दूर हो जाएंगी. तो इसके लिए आपको पार्लर जाके केराटीन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे आपका ढेर सारा पैसा और टाइम तो वेस्ट होना ही होना है. और साथ में आपको जो बड़ा नुकसान होगा वो ये है कि आपके जो हेयर सिर्फ कई दिन तक ही अच्छे होंगे. जैसे ट्रीटमेंट का असर खत्म होगा आपके हेयर और भी ज्यादा डैमेज हो जाएंगे, फ्रीजी हो जाएंगे और आपको हेयर फॉल भी हो सकता है बिकॉज ऑफ उसमें मिलाए जाने वाला केमिकल. उसमें बहुत सारे केमिकल होते हैं जिसकी वजह से आपके बाल और भी ज्यादा डैमेज हो सकते हैं. तो आप सोच रहे होंगे हम ऐसा क्या करें. सो डोंट वरी गाइस, मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ केराटीन एट होम. इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा मैजिकल मास्क शेयर करें जिससे आपकी हेयर की प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी. चलिए इसे बनाते हैं. इसके लिए हमें चाहिए भिंडी, जिसे इंग्लिश में लेडी फिंगर भी कहते हैं, कॉर्नफ्लावर, हनी, कोकोनट ऑयल, विटामिन ई की कैप्सूल, बाउल एंड स्पून एंड ब्रश, ये ऑप्शनल है. अब सबसे पहले जो हम भिंडी को जो है कट करेंगे. तो ये हो गया हमारी भिंडी कट. अब जो मर्जी चाहे उस भिंडी कट शेप में दे सकते हो. यहाँ पे मैंने भिंडी को कट कर लिया है. अब हमें चाहिए एक पैन. अब उसमें भिंडी डालेंगे और हाफ ग्लास ऑफ वाटर डालेंगे और इसको बॉईल करने रख देंगे. अपने से बॉईल करने रख देना है 5 से 10 मिनट के लिए. और स्पून की हेल्प से चलाते रहिए. और 5 मिनट के बाद जो है ये ऐसा हो गया है. देखिए जो भिंडी जो स्टिकीनेस होती है ये इसे आपने निकालना है पूरी तरह से. 5 से 10 मिनट के लिए आप ऐसे इसे चलाते रहिए. और 10 मिनट के बाद जो है इसे आप ठंडा करने रख दीजिए. दस मिनट बाद जो है टोटली ठंडा हो गया है. देखिए एक मिक्सर जार की हेल्प से हमें इसका पेस्ट बनाना है. आपके पास जो भी अवेलेबल होगा आप उसमें डाल के इसका पेस्ट बना दीजिए. चलिए इसका पेस्ट बनाते हैं. सो ये रेडी हो गया हमारा पेस्ट. आप देख सकते हो ऐसे आपको कंसिस्टेंसी रखनी है इसकी. एक सॉफ्ट पेस्ट आपको रेडी करना है. सो हमारा पेस्ट जो है रेडी हो गया. इसमें विटामिन ए के सी मौजूद है जो आपकी हेयर के लिए बेस्ट है. ऐसी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो. भिंडी हेल्प करता है आपकी फ्रीजीनेस को कंट्रोल करता है, आपके हेयर को स्ट्रेट करता है, सॉफ्ट करता है. सो भिंडी जो आपके हेयर के लिए बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है. आपको सेम ही कंसिस्टेंसी में रखना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना आना है आपको. अब इसमें आप ऐड करें कॉर्नफ्लावर. 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर ऐड करना है. कॉर्नफ्लावर जो आपकी हेयर को वॉल्यूम देता है, आपकी हेयर को और भी ज़्यादा सॉफ्ट बनाने में हेल्प करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है. और इसमें हम ऐड करेंगे हनी 1 टेबल स्पून. हनी बहुत 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 अच्छा आपके हेयर को स्मूथ सॉफ्ट बनाने के लिए. तो इसमें हम 1 टेबल स्पून हनी डालेंगे और फिर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ऑफ कोकोनट ऑयल. कोकोनट ऑयल तो आपके सबके घर में मौजूद ही होता होगा. कोकोनट ऑयल तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है अपने हेयर के लिए. हम तो बचपन से इसे लगा रहे हैं. और फिर हम इसमें ऐड करेंगे विटामिन ई की 1 कैप्सूल. ये आपको इजीली मिल जाएंगे मेडिकल स्टोर पे. विटामिन ई कैप्सूल अपने हेयर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है. आपके हेयर को स्ट्रॉन्ग बनाती है, सॉफ्ट बनाती है, सिल्की बनाने में हेल्प करता है. अब इन सबको अच्छे से मिक्स करना है. अच्छे
अच्छे से इसे मिक्स कीजिए। ये जो है आपके पूरे अंदर तक जाएंगे, आपके रूट्स तक जाएंगे और आपके हेयर को सॉफ्ट सिल्की बनाने में हेल्प करेगा। आपके हेयर को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सिल्की शाइनी बनाने में हेल्प करेगा। डे बाई डे आपके हेयर जो इससे और भी ज़्यादा सॉफ्ट होते जाएंगे। अच्छे से इसे मिक्स कीजिए और वीडियो में आगे बढ़ सके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और एक ब्रश की हेल्प से अपने हेयर पे लगाएं। अगर ब्रश नहीं भी है तो आप फिंगर टिप से भी लगा सकते हो और इसे अपने हफ्ते में 2 बार लगाना है फॉर बेस्ट रिजल्ट। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।